सो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा रेमेडी जो आपके बालों को दो गुने तेजी से बढ़ाएगा और आपके बाल हेल्दी मस्त स्वस्थ हो जाएगा और चमकदार भी लगेगा। कोई भी हेयर स्पा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के यूज़ से आप अपने बालों को इतना ज़्यादा सुंदर हेल्दी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरा ही हेयर वाला फ़ोटो है, मैंने साइड में लगा रखा है। इतना मतलब इतना सुंदर बाल हो जाएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। आपको कोई कंडीशनर लिवॉन कुछ भी करने की, हेयर सिरप या कंडीशनर वगैरह कोई भी चीज़ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। बस ये दो चीज़ अपने बालों में लगा लो, आपके बाल दो गुने तेज़ी से बढ़ेंगे, भी स्वस्थ भी होंगे, बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएगा, डैंड्रफ की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ दिखेंगे और चमकदार भी दिखेंगे। सो गाइज, मैं बहुत दिनों से अपने बालों में कुछ भी अप्लाई नहीं की हूँ, लगभग मैं 2 महीने से अपने बालों में का केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मेरे बालों में इचनेस आ गया था और बालों में डैंड्रफ की समस्या होने लगी थी, बाल हेयर फॉल भी होने लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। मुझे पता था रेमेडी, बट मेरे पास टाइम का अभाव के कारण मैं अपने बालों का केयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सोची कि चलो भाई, अब नहीं होगा कंट्रोल, बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं और बाल में डैंड्रफ की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इचनेस बहुत हो गई है, तो चलिए मैं अपना हेयर रेमेडी बनाकर अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। और मैं सोची कि चलिए आप लोग के साथ भी ये हेयर रेमेडी वीडियो शेयर करती हूँ। तो बालों को सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस देखने आए, मेरे चैनल पे आए। अगर मेरी वीडियोस अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर एक भी पॉइंट, एक भी क्लिप अगर मिस हो गया ना, तो आप लोग प्लीज़ ये रेमेडी लगाना ही नहीं सीख पाओगे। और वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपके आपको हेयर रेमेडी पता कर सके आप, और अपने बालों में किस तरह से अप्लाई करना है हर चीज़, फिंगर ट्रिप, हेयर मसल्स वगैरह सब चीज़ एक एक ट्रिप फॉलो करोगे, तभी बाल आपके दो गुने तेज़ी से बढ़ेगा, बिल्कुल मेरी तरह। और मैं हमेशा शॉर्ट्स वीडियोस हमेशा बनाती हूँ या वीडियोस ऐसे भी बनाती हूँ, तो मुझे मेरे हर एक फ्रेंड कमेंट करते हैं कि दी आपके बाल इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने लंबे कैसे हैं, इतने चमकदार बाल कैसे हैं, प्लीज़ मुझे भी हेयर ट्रिप शेयर करो ना, मैं भी अपने बालों को आपकी तरह बनाना चाहती हूँ, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो कोई ये बोलता है मेरे बाल में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, बाल इचनेस होता है, मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, मेरे बाल गंजापन की समस्या हो रही है मेरे बालों में, मैं क्या अप्लाई करूँ, तो मैं यही सब सोच के मैं अपने बालों में अप्लाई करें तो सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसके लिए आपको ये दो चीज़ चाहिए होगा जो कि आपके हर एक के घर में अवेलेबल होता है, एक तो प्याज और दूसरा एलोवेरा लीफ। तो ये दो चीज़ से मैं अपने हेयर रेमेडी बना रही हूँ। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले इस प्याज बोल लीजिए जो रेड हो काफ़ी ज़्यादा और जिससे झांस लगे। प्याज में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रीग्रोथ होने में प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले बालों ये ओनियन को छील लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरह से देख ही सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइज, अगर आप लोग के पास ग्राइंडर है तो ग्राइंड भी करके और रस निचोड़ के लगा सकते हैं। अगर ग्राइंडर नहीं है तो मैं जैसे मेरी तरह मेरे पास अभी ग्राइंडर नहीं है, तो मैं अपने देसी नुस्खे, हम लोग देसी लड़की है भाई, गांव की लड़की है, तो हम लोग के पास इतना सेंस होता है, मेरी मम्मी को देखते हैं कोई भी चीज़ कैसे भी करके बना लेती है। तो बस भाई देसी नुस्खा अपना के अपने बालों में ये रेमेडी लगाएंगे। अब भाई सबके घर में तो मिक्सर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बाल भी सुंदर चाहिए हम सभी को और लंबे भी चाहिए। एक बाल ही ऐसा चीज़ है जो लड़की हो या लड़का, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। अगर आपके हेयर अच्छे नहीं है तो आप कितने भी वाइट, गोरे, चिट्टे, चाहे कितने भी सुंदर क्यों न दिखते हो, बट अच्छे नहीं दिखोगे एक बाल की वजह से, एक बाल की कमी से। आपके आप और कैसे भी कलर हो, आपका स्किन टोन कैसा भी हो, येलो, ब्राउन कैसा भी हो, लेकिन अगर हेयर आपका लंबा, सुंदर, चमकदार हो तो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। और गाइज, अगर बोलने में टेक हुआ होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देख सकते, बातें करते करते मेरा प्याज भी यहाँ पे कट हो चुका है और इस तरह से मैं
एक ग्लास में डाल के और इसको बेलना के थ्रू इसको अच्छे से रस निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर हो तो ग्राइंड कर लो, मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से देसी जुगाड़ करके इस तरह से क्रश कर लूँगी सबको। तो और अब बारी है इसमें एलोवेरा ऐड करने की। तो देख सकते हैं एलोवेरा लीफ को अच्छे से पहले धो लीजिए, वाटर से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से कट कर लीजिए इसको। और येलो वाला जो पार्ट होता है उसको ध्यान से निकाल लीजिएगा क्योंकि उससे इचनेस होता है, स्कैल्प पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, नहीं होता है तो एक घंटे पहले आप डाल दीजिए पानी में, जिससे इसका येलो वाला पार्ट निकल जाए। और या इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और नाइफ के थ्रू इसका जितना भी पल्प हो वो सारा पल्प ग्लास में जिसमें आप प्याज को क्रश किए हुए हैं उसी में ये सारा एलोवेरा ऐड करके और उसी तरह जिस तरह से आप प्याज को क्रश किए ये दोनों को मिक्स करके और इसको भी ऐसे क्रश कर लेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर एक ट्रिप देखिए, फॉलो कीजिए। और इस तरह से आपके पास कोई भी नेट का कपड़ा हो या कॉटन का कपड़ा तो इस तरह से इसका सारा रस निचोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं मैं देसी जुगाड़ करके अपने बालों में हेयर रिमेडी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा चीज़ है जो नहीं है अवेलेबल अभी, फिर भी बालों का तो ग्रोथ चाहिए, बालों का केयर तो करना बनता है भाई। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरा पूरा फाइनली रस निचोड़ चूँकि एलोवेरा और इसमें भी प्याज मिला हुआ है। अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बाल में एक रात पहले ही अपने बालों में ओवरनाइट ऑयल लगा के मसाज कर ले ताकि ऑयल लगा हुआ बाल में ही ये रेमेडी यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ऑनियन का जब आप रस लगाते हो तो बाल इसे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है बाल में और जिससे आपके बालों को हानि पहुँच सकता है। इसीलिए मैं पहले ही बता दूँ कि ये रेमेडी यूज़ करने से पहले आपके बालों में ऑयल लगा होना चाहिए। तो ओवरनाइट के लिए ऑयल लगा लो इस तरह से मेरी तरह और अच्छी तरह से जब ऑयल लगा हो तो मेरी तरह ये बालों को जैसे मैं कंघी कर रही हूँ टेंगल फ्री कर लो पूरे बालों को, एक भी नोट्स नहीं रहना चाहिए बालों को। तो इस तरह से पूरा टेंगल फ्री करना है अपने बालों को। देख सकते हैं मेरा बाल बिल्कुल टेंगल फ्री हो चुका है और इस तरह से आपको अप्लाई करना है स्पंज की हेल्प से। एक स्पंज ले लीजिए और उसको वो जो आप बनाए हो हेयर रेमेडी इस तरह से इसको अप्लाई करो पूरे स्कैल्प में और हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करते जाना है। एक एक ट्रिक फॉलो करो, पूरे अच्छी तरह से प्रॉपर स्कैल्प पे लगा होना चाहिए। आपके बाल अगर ज़्यादा लंबे हैं या ज़्यादा अच्छे हैं, अगर ज़्यादा बाल में थिकनेस है तो आप दो ओनियन यूज़ करो। मेरे पास ओनियन अवेलेबल नहीं था, घर में ख़त्म हो चुका था, एक ही पीस था बचा हुआ तो इसलिए मैं एक ही यूज़ की हूँ। और एलोवेरा लिप दोनों मिलाकर मेरे बाल में स्कैल्प पे तो पूरा अच्छी तरह से लग गया था बट सिरे पे नहीं लग पाया, बट कोई नहीं। तो मैं देख सकते हैं पूरे स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ, लगा भी रही हूँ और स्पंज की हेल्प से और इसको हाथों से अच्छी तरह से देख सकते हैं इसी तरह मसाज करना है अपने हेयर को। और सो गाइस एक और बात बताऊं कि आप अगर आपके पास घर में डब्बा वगैरह हो स्प्रे वाला तो उससे भी आप स्प्रे कर सकते हो अपने स्कैल्प पे, बट यहाँ जैसे भी करो दोनों तरह से कर सकते हो और इस तरह से हाथों पे भी स्कैल्प से मसाज कर सकते हो अच्छी तरह से। और जब देख सकते हैं मेरा बाल टूट भी रहा है क्योंकि मैं बालों में दो मंथ से मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। पहले मैं मेहंदी वगैरह कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती थी तो जिससे बाल मेरा नहीं टूटता था,
जो डेड डेड हेयर है वो तो गिरेगा ही, बट जो डेड नहीं है और एक से थोड़ा बहुत बाल गिरना, 5-10-20 इतना बाल गिरना तो कॉमन बात है भाई, डेड हेयर है तो गिरेगा ही, लेकिन ज़्यादा गिरना वो गलत है, उससे बालों में गंजापन हो सकता है और आपके बाल का थिकनेस कम सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने बालों को न्यू बॉर्न बेबी की तरह केयर करना ही पड़ेगा आपको। इतना अगर आप लोग लाइफ में बिजी हो तो एक आध दिन मतलब आप निकाल ही सकते हो, सप्ताह में एक दिन ये रेमेडी लगाना चाहिए, बट मैं खुद ही इतने 2 महीने के बाद लगा रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप वीकली लगाओ अपने हेयर पे अच्छी तरह से, प्रॉपर इस तरह से हेयर मसाज करते हुए अपने स्कैल्प पे लगाना है ये रेमेडी। अगर वीकली लगाते हो तो आपके बाल एक भी नहीं गिरेंगे एक भी, और बाल का देखोगे कि थिकनेस भी बढ़ते जा रहा है, बाल मेरा काफ़ी ज़्यादा थिक और शाइनिंग होते जा रहा है बाल। मैं सच में बता रही हूँ गाइज, मैं इसका बयान नहीं कर सकती इस रेमेडी के बारे में। मैं खुद से मैं जब ये अप्लाई करके और जब मैं रिजल्ट देखी, मैं खुद का अपना हेयर देखी, तो मैं मतलब सोच रही थी यार मैं पहले क्यों नहीं अप्लाई की, फालतू में इतना बाल गिराती रही अपने सर पे से, फालतू में गंजी होने का शौक चढ़ा हुआ था, ये सब सोच रही थी। देख सकते हैं मैं कितने से मसाज कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह से प्लीज प्रॉपर अपने हेयर पे मसाज करें। यहाँ पे देख सकते हैं मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ और मेरा बाल देखिए किस तरह से दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। लाइटिंग इस हुए अभी इवनिंग का टाइम है इसलिए थोड़ा सा सनलाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं मेरा बाल कितना ज़्यादा एकदम सिल्की सा हो गया है। मैंने कोई हेयर सिरप कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया अपने बालों पे, और फिर भी देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है मेरा बाल, कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा था और बाल बहुत ईजीली टेंगल फ्री हो भी जा रहा था, ज़्यादा उलझ भी नहीं रहा था मेरा बाल। और जिसका थोड़ा सा लंबा बाल होता है उसको संभालने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता ही आता है, तो मैं इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सब रेमेडी लगाती हूँ, क्या करूँ थोड़ा बहुत केयर बनता ही है। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप क्या बोलता है बाल को धो ले, अगर आपके बाल मेरे बालों की तरह नीचे से पोछी हो चुका है, झाड़ू जैसा हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा कट कर लो नीचे से भाई, हेयर ट्रिमिंग भी बनता है, ये हेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रिमिंग। नहीं करोगे तो भाई पछताओगे, नीचे से बाल पतला ही होते जाएगा। और मैं हर 2 महीने पे 1 महीने पे करना बनता है, मैंने 2 महीने पहले मैं घर से जब आ रही थी यहाँ पे तो मैं हेयर ट्रिमिंग की थी, बट फिर भी मेरा बाल हेयर ग्रोथ होने की वजह से नीचे से मेरा बाल झाड़ू की तरह हो चुका है। तो मैं इस तरह से इसको देख सकते हैं मेरा बाल कितना, मैंने एक फर्स्ट टाइम ही अभी झाड़ रही हूँ हेयर वॉश के बाद, और देख सकते हैं मैं पहले बालों को अच्छी तरह से प्रॉपर सूखने देती हूँ, गीले बालों में मैं कभी भी कंघी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर गीले बालों में कंघी करूँगी तो बहुत ज़्यादा उलझ के टूटेगा, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती अपने हेयर का नुकसान नहीं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे तैसे बालों को एकदम तौलिया से झाड़ते हैं फिर गीले बालों में ही कंघी करते हैं, मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहती हूँ। मैं कॉटन कपड़ा से अपने बालों को रैप करके रखती हूँ और इवनिंग मतलब कम से कम 5-6 घंटा तक बालों पे उसी तरह कॉटन कपड़ा रेप करके रहने देती हूँ, और उसके बाद जब ओपन करती हूँ और थोड़ा सा हवा के थ्रू बालों को सुखा लेती हूँ। मैं कभी भी शुरू से ही हेयर ड्रायर वगैरह कोई भी हीट चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, नहीं तो बालों को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ही होगा और बाल मेरे अच्छे नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए मैं कोई भी हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और इस तरह से देख सकते हैं मैं अभी हेयर कट करने वाली हूँ, हेयर ट्रिमिंग करने वाली हूँ, खुद से हेयर ट्रिमिंग करती हूँ, तो मेरे को पता है कि हेयर कैसे कट किया जाता है, मुझे थोड़ा बहुत स्टेप भी आता है, मैंने फ़ोन YouTube से ही सीखा है और कहीं से नहीं। और इस तरह से देख सकते हैं बालों को अच्छी तरह से ट्रेंगल फ्री कर लेंगे और नीचे से बालों को कट करेंगे, और मेरे बाल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी स्मूथ और सिल्की है, और लेकिन नीचे से कुछ झाड़ू होने की वजह से जब मैं चोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो नीचे से थोड़ा सा पतला दिखता है, मतलब एकदम पोछी जैसा एकदम पुज्जर जैसा, तो उसको अच्छे से कट कर लेंगे इस तरह से सीजर की हेल्प से। और मैं हमेशा हेयर ट्रिमिंग, आप कोशिश करो कि हेयर ट्रिमिंग खुद ही करें, दूसरों से अपना हेयर नहीं कट करवाए, बिकॉज दूसरे से कट करवाने की वजह से एक नज़र वगैरह होता है ना, टोक रोक बालों में लग जाता है। आपके बाल अगर अच्छे हैं सुंदर है और अच्छे शाइनी है ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने बालों को खुद ही केयर करें, किसी और को छूने भी ना दे बाल को, ये सब बाल और फेस ये 2 चीज़ ऐसा चीज़ है ना, और नेल ये 3 चीज़ ऐसा चीज़ है जो आप
को बहुत ज़्यादा टोक लगता है, बोले ना एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, जैसे न्यू बच्चा को अगर आप टोक देते हैं, ये बोल देते हैं कि बहुत सुंदर है या कुछ भी, तो उसको नज़र लग जाता है। जस्ट लाइक हमारा हेयर भी उसी तरह से होता है, अगर आपको कोई बोल दे कि आपका बाल कितना ज़्यादा सुंदर, कितना ज़्यादा ये है वो, तो आपके बालों को टोक लगेगा, उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बालों को खुद ही केयर करें, चोटी वगैरह, हेयर कॉम वगैरह सब खुद ही करें, किसी को भी नहीं छूने दें। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं घर पर जाती हूँ सिवाय मम्मा, कभी कभी मूड होता है तो मम्मा को बोलती हूँ, और मैं किसी को अपने बाल छूने तक नहीं देती हूँ। सो देख सकते हैं एक आध बार अच्छे से और नीचे से एकदम बराबर करके इसको अच्छे से कम कर लेंगे, ताकि बाल ऊपर नीचे ना हो और छोट बढ़ने मेरा कटा जाए। तो देख सकते हैं मैं हेयर ट्रिमिंग कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इतना काटू मैं उतना ज़्यादा बाल नहीं कट करने वाली हूँ, मुझे छोटा हेयर थोड़ी ना चाहिए। मुझे शुरू से बचपन से लॉन्ग हेयर का बहुत ज़्यादा, मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। मैंने बीच में एक मतलब आज से 2 साल पहले मैंने हेयर को कट करवा लिया था, बहुत छोटे छोटे करवा लिया था, मैंने लेंथ रेजर कटवाया था, बहुत छोटा मेरा बाल हो गया था, बिल्कुल शोल्डर के इतना हो गया था बाल, बहुत ज़्यादा रोई थी पार्लर में ही, बट सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। और देख सकते मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे आधा हाफ इंच के करीब कट कर रही हूँ, एक इंच कम से कम आप अपना बाल जरूर ही कट कीजिए नीचे से, जितना भी फुज्जर हो, जितना भी झाड़ू की तरह दिखे वो सारे बाल को कट कर लीजिए। वैसे तो मेरा 2 मुहा बाल बिल्कुल भी नहीं, मेरा 2 मुहा बाल कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं फोल्ड करके हेयर हमेशा फोल्ड करके हेयर को रखती हूँ, इसलिए मेरा 2 मुहा की समस्या बालों का कभी आया ही नहीं। बाल जब भी घिसेंगे तभी तो 2 मुहा होगा ना, मेरा बाल तो कभी घिसता ही नहीं तो 2 मुहा नहीं आता, कभी भी समस्या 2 मुहा नहीं था, फिर भी मैं हेयर कटिंग की हूँ, क्योंकि नीचे से बाल झाड़ू जैसा हो गया था, पतला हो गया था इसलिए। और देख सकते हैं हेयर मेरा कट हो चुका है, और देख एक आध बार और झाड़ के इसको अच्छे से कम करके देख लूँगी कि छोट बर नहीं दिख रहा है, तो उसको फिर से सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। और मैं हमेशा बालों को इसी तरह से केयर करती हूँ, और ये ट्रिप हमेशा फॉलो करना चाहिए, मंथली आपको सबसे पहले मंथली आपको हेयर ट्रिमिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बाल आपका पतला नहीं होगा, और अगर ग्रोथ भी करता है तो हेल्दी ही ग्रोथ करेगा। और दूसरा ये है कि वीकली आप अपने बालों पर हेयर सीरप, हेयर रेमेडी या हेयर मास्क ये सब अप्लाई करते रहें, क्योंकि आपके बालों को ये सब चीज़ अगर नहीं मिले, सिर्फ शैम्पू और तेल से ही बाल नहीं अच्छा होता है, उसके अलावा भी बालों को एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। अब अपने लिए तो ये बाल जो भी होता है सुंदरता या स्किन, घर के लिए परिवार के लिए तो आप लोग टाइम निकालते ही है, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो अपने बालों पर ध्यान दे दो भाई। देख सकते हैं मेरा हेयर कटिंग हो चुका है, हेयर ट्रिमिंग हो चुका है, और बाल नीचे से अब बराबर दिख रहा है, थोड़ा भी छोट बने और पतला भी नहीं दिख रहा है मेरा बाल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। सो टाटा, लव यू बाय बाय।